तो हम मेष लग्न के विभिन्न भावों में चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपके मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में स्थित हो तो चंद्रमा की महादशा के आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए 12वें भाव में मीन राशि में अगर चंद्रमा स्थित होते हैं तो ऐसा चंद्रमा आपको अपनी दशा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्म की तरफ या धार्मिक कार्यों की तरफ आकर्षित कर सकता है। ये आपको बहुत ज़्यादा बेचैन कर सकता है, आपको डे ड्रीमिंग करवा सकता है, यानी आप दिन में भी सपने देखने वाले होंगे और आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी चंद्रमा की दशा के दौरान। इस दशा के दौरान अक्सर आपसे कोई भी गलत फैसला होना या कोई भी इस प्रकार के काम के बारे में आप सोचते रहेंगे जहाँ पर आपको कोई वास्तव में रिजल्ट मिलने वाला नहीं है या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा होने वाला नहीं है, बस आपके लिए वो एक ड्रीम ही रह जाएगा। तो चंद्रमा की दशा में अब आपको किसी भी डिसीजन को लेते समय ये ज़रूर विचार कर लेना है कि आपको किसी भी डिसीजन को लेने में कितना समय लेना है, कितना अधिक आपको विचार करना है, क्योंकि इससे आपका समय काफ़ी ज़्यादा व्यर्थ होगा अगर आप ज़्यादा सोचते रहेंगे और बाद में आपको आगे चलकर इसमें फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी। अगर चंद्रमा के साथ बृहस्पति का संबंध है या बुध का संबंध है तो ज़रूर आपको डिसीजन लेने में थोड़ी मदद ज़रूर मिल सकती है। देखिए चंद्रमा अकेले बैठे हों चाहे किसी भी अन्य ग्रह के साथ हों, आपको ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है और चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि भी है या नहीं है, क्योंकि चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि से और युति से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाले होते हैं हमेशा ही, और चंद्रमा आपके मन को बहुत ज़्यादा चंचल बनाएंगे। आप अपनी बहुत सारी बातों को छुपा कर रखने वाले हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होंगे आप, तो यहाँ पे अब सोचना ज़्यादा और करना कम इसकी संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे लेकिन आप वैसा करेंगे नहीं जैसा आपने सोचा है, बस आप सोचते ही रहेंगे। अब ये जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा आपको रहेगी इस 10 वर्ष की महादशा के दौरान। इसके साथ साथ चंद्रमा आपको विदेश सेटल कर सकते हैं, विदेश यात्रा करवा सकते हैं। ऐसा चंद्रमा आपको धन के खर्चे भी बहुत ज़्यादा करवा सकते हैं। इस दशा में अक्सर आपको मेंटल पीस प्राप्ति की बहुत ज़्यादा चाहत रहेगी। आपको अपनी माताजी पर भी कोई बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, आपको कोई लोन वगैरह लेना पड़ सकता है। इसके अलावा अपना घर या कोई प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से मदद लेनी पड़ सकती है। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से आपको लेट एज में अगर दशा आती है तो ज़्यादातर आप पूजा पाठ और आध्यात्म की तरफ प्रेरित होते चले जाएंगे। ये दशा अब आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर केतु के साथ चंद्रमा का संबंध है या राहु के साथ अगर चंद्रमा का संबंध है तो ऐसी दशा के दौरान आपके मन में बहुत ज़्यादा भय भी उत्पन्न होगा। अब आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएँ हैं या हमारे जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से ही जुड़े हुए हैं, तो अब इस हाउस से रिलेटेड यानी 12वें भाव से रिलेटेड कामों के लिए आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस रहेगा और ज़्यादातर इसी भाव के बारे में आप सोचते रहेंगे लंबे समय तक। ये आपको एक समस्या बन सकता है कभी कभी। इसके साथ साथ आपका मूड स्विंग होना, मूड स्विंग होने की प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, अगर आप अपनी डेली लाइफ को प्लान करना चाहें तो अपने खर्चों को प्लान करना चाहें तो इनकम को प्लान करना चाहें तो इन सब मामलों में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से ऐसे में आपकी मानसिक सुख शांति सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। अगर चंद्रमा के साथ मंगल का संबंध है तो ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटल पीस चाहिए होगा और आपको शिव जी का जो उपासना है या किसी भी प्रकार से आपको मेडिटेशन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपका जो मन है वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं रह सकेगा। ऊपर से आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, आपको बार बार गुस्सा आता रहेगा जिससे आपका कोई भी काम ठीक से बनेगा नहीं। मंगल का संबंध हालांकि चंद्रमा से बनना इस बात के संकेत जरूर है कि आप कोई भी डिसीजन लेते समय काफ़ी जल्दी करेंगे और किसी भी काम में आपको रिजल्ट हमेशा बहुत ही जल्दी चाहिए होगा, लेकिन अक्सर इससे आपके काम बिगड़ने की संभावना भी उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाएगी। चंद्रमा की दशा के दौरान अगर चंद्रमा का संबंध मान लो किसी भी ऐसे ग्रह से बन जाता है जैसे कि शुक्र है या कोई भी अन्य शुक्र है, शुक्र से संबंध होने पर ऐसा चंद्रमा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी देगा, आपको भोग विलास और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देगा और मैरिड लाइफ को लेकर भी कुछ फिर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन केतु और राहु के साथ अगर चंद्रमा का संबंध है तो मन में बहुत ज़्यादा भय भी उत्पन्न होगा, हालांकि ये विदेश सेटल होने के लिए या आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति भी है।
अब मुख्य रूप से इस बात की बहुत हद तक संभावना है, चंद्रमा अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो चंद्रमा की महादशा के दौरान आपका खुद पर कंट्रोल करना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगेगा कभी कभी। अगर सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर है तो आप थोड़े स्ट्रांग जरूर होंगे, मानसिक रूप से भी स्ट्रांग होंगे और वैसे भी आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अधिक रहेगा। हाँ, तो हम इतना बोल सकते हैं कि सूर्य का संबंध अगर चंद्रमा से है तो ये फिर आपकी क्रिएटिविटी में भी बहुत ही ज़्यादा वृद्धि, क्योंकि सूर्य आपके चार्ट में 5th लॉर्ड हैं और चंद्रमा 4th लॉर्ड, इस वजह से आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन ये मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके जीवन साथी के साथ अक्सर आपको विवाद देखने को मिल सकते हैं, तो इस स्थिति से आपको सावधान रहना पड़ेगा। नॉर्मल अगर देखा जाए तो चंद्रमा का 12वें भाव में बैठना उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, परिवार से आपको साथ छूट सकता है, परिवार से दूर सेटल हो सकते हो, या कोई ना कोई स्थिति, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बनेगी ही बनेगी जिससे आपको अपने फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, या तो किसी दूसरे स्टेट में सेटल होना पड़ेगा या विदेश में भी। इसके साथ साथ आप धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य करते हुए बहुत ज्यादा लंबा समय बिता सकेंगे इस दशा के दौरान। यह दशा के दौरान लेकिन आप खुद को बहुत बेहतर ढंग से समझ सकेंगे, खुद की फीलिंग्स को बहुत ज्यादा समझ सकेंगे और यह अकेलेपन की स्थितियां भी आपको बहुत बार देगा इस प्रकार की स्थिति में चंद्रमा। चंद्रमा की दृष्टि आपके 6th हाउस पर रहेगी, 6th हाउस पर जो दृष्टि है उसकी वजह से आपको अपना रूटीन हैंडल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी, अपने डेली का जो काम है उसको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ जो आपके रिश्ते हैं उनमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव आता रहेगा। ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा ट्रेवल को दिखाता है और आप बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए भी जा सकते हैं इस दशा के दौरान। चंद्रमा की दशा अक्सर आपको ट्रेवल करवाती ही रहेगी, हो सकता है कि एक देश से दूसरे देश और आपने काफ़ी सारे देशों में भ्रमण किया होगा ऐसी दशा के दौरान। इसके साथ साथ लेकिन कैरियर को लेकर ये जो दशा है वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर चिंता को डेवलप करेगी और कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आपको लो देगी जिससे आपको काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। चंद्रमा का जो दृष्टि है आपके 6th हाउस पर रहने की वजह से अगर चंद्रमा का सूर्य से संबंध है, मंगल से संबंध है, तो कुछ हद तक आप अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकेंगे अपने डेडिकेशन की वजह से। पर ऐसा जो चंद्रमा है आपके स्वभाव को बहुत ज़्यादा शालीन बनाता है, बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक आपको बनाता है, बहुत ज़्यादा सोशल बनाता है। लेकिन यहाँ पर ये सब का जो प्रभाव है अगर आप फैमिली के साथ रहेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों से घिरे हुए रहेंगे तभी आपको मिलेगा। तो चंद्रमा यहाँ पर आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं अगर वो 12वें भाव में, और 10 वर्ष की ये महादशा आपकी सोच को, आपके सोचने के नज़रिए को, देखने के नज़रिए को और दुनिया को जो जज करने का जो तरीका है उसको एकदम से बदल देगी। तो ऐसे में समय समय पर आपका माइंड है वो बदलता रहेगा, परिस्थितियों के हिसाब से आप ढलते रहेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो हो सकता है कि उतने ज़्यादा परिवर्तन आपकी लाइफ में फिर ना हो। पर ऐसी दशा के दौरान आपको ज़्यादातर स्टेबिलिटी तो अपनी लाइफ में नहीं देखने को मिलेगी, थोड़ा सा अनस्टेबल आप हमेशा ही रहेंगे, चाहे तो कैरियर को लेकर चिंता रहेगी, चाहे तो हेल्थ को लेकर चिंता रहेगी, या आप बढ़ते हुए खर्चों से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। कभी कभी ऐसी स्थिति डेवलप होगी जब आप अपने खर्चों को रोकने में असमर्थ होंगे और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आ जाता है फिर चंद्रमा की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे मान लो किसी जातक को ऐसी दशा 15 साल तक की एज में अगर स्टार्ट हो जाती है तो जातक को जो परिवार से जो सपोर्ट मिला है या परिवार से जो जातक को केयर मिली है उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जातक का अपने परिवार से बहुत हाई अटैचमेंट रहेगा लेकिन फिर भी जातक थोड़ा सा डिटेस्ट सा महसूस करेगा। हो सकता है कि जातक को परिवार से छोटी आयु में बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया गया हो, उसको एजुकेशन के लिए या किसी भी अन्य काम को करने के लिए बहुत अच्छा माहौल मिला हो और उसका जो केयरिंग जो स्वभाव है जातक का वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा छोटी आयु में, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा सोशल रहेगा तो अपनी फैमिली से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड रहेगा। पर छोटी आयु में थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर सावधानी फिर भी आपको रखनी चाहिए। अगर मान लो ये दशा किसी को 25 की एज से लेकर 35 की एज तक आती है तो ऐसा चंद्रमा आपके खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा, कॉन्फिडेंस को लो करने वाला होगा। और हालांकि ऐसा चंद्रमा आपके जीवन में परिवर्तन बहुत ज़्यादा लेकर आएगा तो आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादातर ना हो, जहाँ पर या तो आपको ट्रेवल करना पड़ रहा है लंबे समय तक, या फिर आपको काम के लिए कोई भी ऐसी प्लानिंग करनी पड़ रही है जहां पर आप एकदम बिजी हैं और खुद के लिए भी कहीं ना कहीं आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो वास्तव में चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा बिजी रखने का प्रयास भी करेंगे। चंद्रमा की दशा के दौरान आप किसी को भी ना नहीं कह सकेंगे, आप लगभग हर व्यक्ति का काम करेंगे, चाहे किसी भी प्रकार की आप सहायता लोगों के मामले में कर रहे हैं। ये चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको चैरिटी वगैरह करने, दान दक्षिणा करने की तरफ भी ले जा सकता है। अब मान लो किसी जातक को ये दशा थोड़ा लेट एज में आती है, जैसे कि 40 की एज में,
या 50 की एज में अगर ऐसी दशा आ जाए तो ये स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत दे सकती है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति या धार्मिक उन्नति आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ज्ञान का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, आप में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा रहे, और इस दशा के दौरान वास्तव में ओल्ड एज में आप ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक रहेंगे, आप उतना डे ड्रीमिंग नहीं करेंगे, ड्रीम्स में जीने वाले नहीं होंगे, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा अनुभव के साथ जीने वाले होंगे। और अब आपको ये चेक करना जरूर है कि किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, और अगर चंद्रमा पर प्रभाव पड़ रहा है तो कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ग्रह शुभ है या अशुभ है, चंद्रमा के मित्र ग्रह हैं या शत्रु ग्रह हैं, ये सब चेक करने के बाद एक्चुअल में आप ये पहचान सकेंगे कि चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष के दौरान आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकती है।